नमस्कार, आज की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं जीशान जावेद आपके साथ। कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने रीवा के पद्मधर पार्क में एक सभा का किया संबोधित। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सौरभ मित्रा जी आ जाएं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मंच पर अभी कॉमरेड बादल सरोज, लेकिन जैसे मैं पहले कह रहा था, इस चुनाव के परिणाम हमारे देश की चरित्र के बारे में ही तय करेंगे। अब ये सवाल क्यों पैदा हो गया? पिछले 5 सालों में मोदी साहब की जो सरकार रही और उस सरकार के चलते हुए जो अहंकार और असभ्यता की जो वातावरण जो पैदा किया गया, उनके चलते हुए सुना है कि आपके रीवा में भी वो नजर आ रहा है, नीचे के स्तर पर भी वही रिवाज जो ऊपर से नीचे तक आज भाजपा और शासक पार्टी के अंदर वो जो है वो सब जगह पर वही रिवाज जो है वो बह रहा है। लेकिन इसके चलते हुए हो क्या रहा? आज हर स्तंभ जो हमारे एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य का जो संविधान है, उस संविधान के चारों मुख्य स्तंभ जिसमें घड़ी है ये संविधान, उन सभी स्तंभों को कमजोर करने वाली बात चल रही है। एक तरफ से आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, एक तरफ से आम लोगों की, खासतौर से मेहनत कर लोगों की, उनके उद्धार के लिए सरकार काम करेगी, ये हमारी संविधान के अंदर एक कड़ी है जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी हर बार केंद्र सरकार को दी जाती है। हालत क्या है आज देश की, आप मेहनत कर जनता की, आप तो जानते ही है कि आज देश का किसान अन्नदाता जो पैदा करके अनाज हम सबको खिलाता है ताकि हम सब जिंदा रहे और ये देश चले, वो अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है लाचारी में और कोई चारा नहीं बच रहा उनके पास। कर्ज में डूब कर वो आत्महत्या के अलावा चारा नहीं बच रहा उनको। मोदी साहब ने वादा क्या किए थे 5 साल पहले? कर्ज के दबाव में डूब कर आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए हम कर्ज माफी करेंगे, एक बार कर्ज माफी करेंगे ताकि इस दबाव में आकर वो आत्महत्या ना करे, वो नहीं किया। लेकिन उल्टा क्या किया उनसे? जब हम उठाते सवाल पार्लियामेंट में, संसद में, जवाब ये मिलता है कि सरकार के पास इतना रकम नहीं है कि सभी किसानों का ऋण माफी करें। लेकिन किया क्या उन्होंने इन 5 सालों में? बड़े बड़े पूंजीपति जो उनके मित्र है, जो देश को लूट रहे हैं, उन पूंजीपतियों के लिए इन 5 सालों में 5 लाख 55 हजार करोड़ रुपए का उनका जो ऋण है उसका माफी कर दिया। इसका 1/4 से कम हिस्सा हमारे देश के सब किसानों को के ऋण माफी करके उनकी जिंदगी बचाने में क्या बात है? लेकिन उसके लिए पैसे नहीं। ये लूट जो मची हुई है, ये लूट का परिस्थिति कहां तक पहुंची है? आज हमारे बैंकों में से उधार लेकर वही मोदी साहब के दोस्त, वही बड़े पूंजीपति 36 लोग हैं आज जो देश छोड़ के भाग गए, उधार ले लिया और वो पैसा वापस नहीं कर रहे। और कितना रकम है जो उधार बाकी है? 11 लाख करोड़ रुपए जो माफी कर दिया, 5 लाख 55 हजार जो बाकी है, 11 लाख करोड़, यानी लूट बची है इन 5 सालों में कितना? 16.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये है लूट की व्यवस्था। लेकिन किसानों के फसल के लिए जब कहते हैं उनके उत्पादन का खर्चा है उससे 1.5 गुना ज्यादा दाम देने का जो वायदा था उसको पूरा नहीं किया, फिर वही बात, रकम नहीं है। लेकिन लूट मचने के लिए परिस्थिति खड़ा कर दी मोदी साहब ने। हवाई जहाज खरीदो तो उसके अंदर भ्रष्टाचार, हर सरकारी संस्था की निजीकरण हो रही है और ये निजीकरण का फायदा किनको? वही उनके पुराने पूंजीपति दोस्तों को। यानी आज देश की संपत्ति का खिलवाड़ हो रहा है लूट,
और उस लूट के साथ 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 जो आम मेहनत के लोगों के लिए जो जरूरत है उनकी सुविधाओं के लिए वो काम बिल्कुल ठप रह गया। आज हमारा नौजवान जो देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, 52% हमारे देश की आबादी 52% 25 साल की उम्र से छोटी है। अगर इस नौजवान को हम शिक्षा दें, स्वास्थ्य दे सके और रोजगार दें, तो एक बेहतर भारत का निर्माण अपने बच्चे खुद बनाएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये काम करने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास। वायदा किया 10 करोड़ नए नौकरियों की सृष्टि करेंगे मोदी साहब इन 5 सालों में। हालत क्या है यार, पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है देश में तो आज के दिन है मोदी साहब के चलते। तो बेरोजगारी बढ़ रही का मतलब क्या? आज अगर इस लूट को रोको आप, इसका आधा भी पैसा अगर आप इसको वापस ले आओ देश में और उसको इस्तेमाल करो, आपके रीवा तक पानी पहुंचाने के लिए नहरें खुदवा कर उसको इस्तेमाल करो, आपके ग्रामीण इलाकों में रोड बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करो, जहां पर पीने की पानी नहीं है उन गांवों के अंदर कुएं खुदवाने के लिए, ये सब काम करने के लिए करोड़ों नौजवानों के हाथ की जरूरत होगी और उनको नौकरियां मिलेगी। और वो नौजवान जब अपना तनख्वाह खर्चा करना शुरू करेगा, आज जो बंद पड़े हैं छोटे छोटे उद्योग, ये नोटबंदी और GST लागू करने के चलते हुए ये सब बंद पड़े हुए छोटे छोटे उद्योग वो फिर खुलना शुरू होगा, क्योंकि मांग बढ़ेगी हमारे अर्थव्यवस्था में और उसके चलते हुए एक आर्थिक विकास का एक नया दौर शुरू हो सकता है।